सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाली हाजीपुर की सोशल एक्टिविस्ट किरण यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किरण पर ये आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट डाला था। उन्होंने अपने इस वीडियो में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की थी। इसके साथ ही उन्होंने जातिवादी टिप्पणी भी की थी। जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे इसका ख्याल रखते हुए हम आपको जो शब्द किरण यादव ने अपनी वीडियो में इस्तेमाल किए हैं वो नहीं सुना सकते, लेकिन आपको ये जरूर बता सकते हैं कि किरण ने अपने इस वीडियो में हर वो बात कही है जिससे लोग भड़क सकते हैं। किरण का ये पोस्ट वायरल होने के बाद वैशाली पुलिस ने हाजीपुर नगर थाने में किरण यादव पर FIR दर्ज की है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाजीपुर सदर SDPO राघव दयाल ने कहा कि किरण यादव पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हाजीपुर में 2020 को एक वीडियो वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहा था। उसमें एक महिला है जो हिंदू धर्म के प्रति या हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति ही कुछ अपशब्द की भाषा का प्रयोग किए थे। उसमें कई तरह का बातें बोला गया था, अगला पिछड़ा मुस्लिम का भी नाम लिया जा रहा है। उसके बाद हिंदू धर्म के अगड़े जातियों को मुस्लिम से डरने की बात, इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाने का, जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास उसमें किया जा रहा है। पहले से भी आप सब जान रहे हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से या सांप्रदायिक दृष्टिकोण से हाजीपुर जिला बहुत ही संवेदनशील है, और उस उक्त महिला द्वारा इस तरह का वीडियो वायरल कर रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात की जा रही है वीडियो में, तो इसके मद्देनज़र उसमें प्राथमिकी अंकित की गई और उसमें पहचान काम किया गया है। किरण यादव जो देसरी थाना क्षेत्र चंदपुरा के रहने वाले हैं, उनको उस वीडियो में जो फुटेज है उसके पिक्चर के आधार पर उनको पहचान काम किया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि खुद को सोशल वर्कर बताने वाली किरण यादव वैशाली जिले की चांदपुरा के रहने वाली है और लगातार सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर पोस्ट करती रहती हैं। पिछले एक दो सालों में किरण यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों की संख्या में फॉलोअर बढ़ गए हैं। हालांकि इस दौरान वो कई बार विवादों में भी रही। पिछले दिनों वैशाली जिले की गुलनाज हत्याकांड जिसमें दबंगों ने लड़की को जिंदा जला दिया था क्योंकि उसने छेड़छाड़ करने पर विरोध किया था, उसमें भी किरण यादव ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शुरू से ही आवाज उठाई थी। वो गुलनाज और उसके परिवार से मिलने भी गई थी। फिलहाल किरण यादव जेल में हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर मौजूद उनके लाखों फैंस को किरण यादव के अगले पोस्ट के लिए इंतजार करना होगा। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।